क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराने कपड़ों का यूज करके हम फ्यूल बना सकते हैं, और गॉडजिला जो हम मूवीज में देखते हैं वो रियल में अर्थ पर मौजूद है या नहीं, यही जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे रखें, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियो और रहस्यमय वीडियो लाते रहता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, जो शनि है उसके मून डायनासोर से भी यंग है। लाखों साल पहले नष्ट हुए डायनासोर से भी शनि के मून यंग है, साइंटिस्ट ने किए गए एक खोज से ये पता चला। अमेरिका के सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस के मेन मार्टिजिया कुक ने बताया कि शनि अपने मिल्की वे का एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। उसके ऑर्बिट में जो ग्लेशियर एंड आइस से ढके हुए जो मून है वो लगभग 10 लाख साल पहले से मौजूद है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि पुराने कपड़ों से भी फ्यूल बन सकता है? जी हाँ, जापान की एक कंपनी है, उसका नाम है जे प्लान। उस कंपनी ने यूज किए गए कपड़ों से फ्यूल बनाने की प्रोसेस विकसित की है। कंपनी ने दिए गए एक इंफॉर्मेशन के अनुसार एक टन यूज कपड़ों को रिसाइकल करके लगभग 700 लीटर फ्यूल बनाया जा सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो फ्यूचर में हमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी पेट्रोल और डीजल के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया की सबसे हल्की हैंड वॉच का वजन कितना होगा? सोचो, ऐसी भी वॉच है या नहीं? तो ऐसी एक वॉच है, ब्रिटिश रिसर्च ने मॉडर्न मटेरियल से फेमस हुआ पैफिन उसकी हेल्प से दुनिया की सबसे हल्की हैंड वॉच बनाई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसका वजन सिर्फ 40 ग्राम। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रिचर्ड मिल एंड मैकलेरियन F1 इन वॉच कंपनी के मदद से दुनिया की सबसे हल्की हैंड वॉच बनाई है। इसको RAM5003 नाम दिया है। ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। ग्राफीन से फोल्डेड मोबाइल फोन भी बनते हैं जो आजकल बन रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, एक ट्री है जो बर्ड्स की शिकार करता है। मैं पिचर और ब्लैडरवर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी शिकार करते हैं पर इंसेक्ट्स की। और ये ऐसा पेड़ है जो बर्ड्स की शिकार करता है, इसका नाम सोनिया है। इसमें से ब्लू लाइट निकलती है जो बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और रात के अंधेरे में कोई एनिमल उधर जाता है तो वो अपने पत्तों में फंसा कर उसकी जान लेता है। इसे बर्ड कैचर ट्री भी कहते हैं, और ये पेड़ मोस्ट ऑफ अमेरिका के हवाई आइसलैंड और न्यूजीलैंड में मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर 16 इंच का है? इसकी खोज चाइना में हुई, इसका नाम माइक्रोक्रैप्टर है, और ये दुनिया का अब तक सबसे छोटा डायनासोर है। इस पर और रिसर्च करने के बाद पता चला है कि बेबी माइक्रोक्रैप्टर से भी छोटे होंगे। फैक्ट नंबर 2, अब आप इस पिक्चर को देखो, ऐसा मून रेयर ही दिखता है, इसलिए इसे रेयर ब्लू मून कहा जाता है। और ये रेयर ब्लू मून इस साल 31 अक्टूबर को हेलोवीन के समय 76 साल में पहली बार देखा जाएगा। तो ब्लू मून क्या होता है, क्यों होता है? बिकॉज कैलेंडर में होने वाले 2 फुल मून में से दूसरा होता है, मतलब इस महीने में 2 बार 2 फुल मून दिखाई देंगे, मतलब वंडरफुल। इससे ऐसा मून देखने बहुत ही रेयर देखते हैं, इसे देखने में तो मज़ा ही आ जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसे पूरी दुनिया में देखा जाएगा, तो वेट करो ताकि बस अक्टूबर भूलना मत। फैक्ट नंबर 1,
क्या गॉडजिला रियल में अपने अर्थ पर मौजूद है या नहीं। अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो गॉडजिला की हाइट 119 मीटर लंबी है और अर्थ पर अब तक मौजूद सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल ही है। वो 13.5 मीटर लंबाई तक बढ़ सकता है। मतलब गॉडजिला के सामने ब्लू व्हेल तो सिर्फ एक चौथा हिस्से की तरह ही है। कुछ तर्क ऐसे भी है कि इतना लंबा और तकरीबन 90,000 टन वाले गॉडजिला को अपनी लाइफ बिताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा वो उतनी उसकी भूख। उसे तकरीबन दिन में नहीं तो एक टाइम 1,900 टन खाना चाहिए होगा। और जब वो पानी के सरफेस पर अपना पैर रखेगा तब तो अपने वजन के कारण वो नीचे जाकर अटक भी सकता है। तो साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो गॉडजिला का जिंदा होना या उसका होना ही मुमकिन नहीं है। रुको रुको, जरा एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर हम लॉजिकली बात करें तो हमने समुंदर को पूरी तरह से नहीं जाना है। समुंदर रियल में कितना गहरा है और उसमें कितने प्रकार के जानवर हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समंदर के बारे में हमें नहीं पता। ऐसे बहुत सारे प्रजाति भी है जिन्हें हम नहीं जानते और बहुत सारे रहस्यमय जानवरों को समंदर में देखा गया है। तो गॉडजिला हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसकी संभावना होने की चांसेस तो है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो कि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए आता रहूँ। अगर आपको पता नहीं कि सब्सक्राइब कैसे करें तो स्क्रीन पे सर्कल जैसा चैनल का लोगो होगा उस पर क्लिक करके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। बाय बाय।